नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल आनन फानन में दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के साथ ही उन्होंने इस बात पर बिहार में मुहर लगा दी कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है। खबरों की माने तो भाजपा नेताओं के साथ चिराग की मुलाकात की चर्चा है और ऐसे में दिल्ली में आनन फानन में चिराग पासवान कल देर रात पहुंचे। उसके बाद कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। चिराग आज पटना लौट रहे हैं, पटना लौटते ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, क्या भाजपा और चिराग पासवान के बीच डील हुई, बिहार में आने वाले दिनों में चिराग भाजपा की रणनीतियों में कैसे शामिल हो सकते हैं, चिराग पासवान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है जिसको लेकर अक्सर चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी फ्री हैंड देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, यानी भाजपा को एक अच्छा विकल्प और युवा चेहरे की जरूरत बिहार में थी। चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चिराग को लेकर क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन भाजपा चिराग की जो मीटिंग है वो पूरी हो चुकी है और इस मीटिंग के जरिए चिराग पासवान ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी जो मांगे थी वो कब तक मानी जाएगी, कौन कौन सी मांगे बची हुई है। लेकिन साफ तौर पर समझे तो चिराग और भाजपा के बीच मुलाकात की जो चर्चा है वो बिहार में ज़्यादा है, दिल्ली से इस तरह की कोई तस्वीरें, इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन ऐन मौके पर बिहार से दिल्ली जाना और चिराग पासवान दो दिन पहले ही आए थे, ये कहीं ना कहीं सबूत दे रहा है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो या अन्य नेता हो, सभी नेताओं को लेकर भाजपा कुछ न कुछ नए सिरे से प्लान कर रही है। देखना यह होगा कि चिराग पासवान को लेकर एक तरफ जहां चर्चाएं हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, चिराग को वो कोटा दिया जा सकता है जो रामविलास पासवान का था, और इसको लेकर चिराग पासवान दिल्ली और पटना की दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में आज चिराग पासवान पटना लौटेंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्या मामला था, क्यों मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। लेकिन चिराग पासवान पटना आने के साथ ही इस मसले पर कितना बोलते हैं, क्या बताते हैं, ये भी एक आम सवाल है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।